सृष्टि की शुरुआत में भगवान नारायण ने अपने मुंह से जैसे मनुष्य थूकता है ऐसे एक बिंदु उत्सर्जित किया, तो वह चंद्रमा की नाई चमचमाता बिंदु धरती पर गिरा और भगवान नारायण का संकल्प कहो या वनस्पति जगत का आदि कहो, वहां धरती का पहला वृक्ष उत्पन्न हुआ। उस वृक्ष का दर्शन करके देवता लोग आनंदित होने लगे। धरती पर पहली बार वृक्ष देखा तो सब आश्चर्यचकित हो गए कि यह क्या है, कैसा है, इतने फल लगे हैं। आकाशवाणी हुई, आश्चर्य ना करो, यह आमलकी आंवला का वृक्ष है। इसके सुगंध से मनुष्य को गोदान का फल होगा, इसके स्पर्श से दुगुना फल होगा और इसका फल खाने से तिगुना फल होगा। इसके नीचे कोई व्रत उपवास करके प्राणायाम ध्यान जप करेगा तो कोटि गुना फल होगा। यह वृत्त को जवान बनाने वाला तथा हृदय में भगवान नारायण की भक्ति और देवत्व जागृत करने वाला होगा। गोदान का फल मिलता है अर्थात चित्त की वैसी ऊंची स्थिति होती है। आंवला पोषक और पुण्यदायी है। आंवले के पेड़ को स्पर्श करने से सात्विकता और प्रसन्नता की बढ़ोतरी होती है। आंवला सृष्टि का आदि वृक्ष है। शास्त्रों में आंवले के वृक्ष की भारी महिमा गाई गई है। कार्तिक मास में आंवले के वृक्ष की छाया में भोजन करने से एक वर्ष तक के संसर्ग जनित दोष अर्थात झूठा या अशुद्ध भोजन करने से लगने वाले दोष नष्ट हो जाते हैं। आंवले का उपटन लगाकर स्नान करने से लक्ष्मी प्राप्ति होती है और विशेष प्रसन्नता मिलती है। जैसे दान से अंतःकरण पावन होता है, शांति और आनंद फलित होते हैं, ऐसे ही आंवले के वृक्ष का स्पर्श और उसके नीचे भोजन करना हितकारी होता है। आंवले का रस शरीर पर मल के सिर पर लगाकर थोड़ी देर बाद स्नान करने से दरिद्रता दूर हो जाती है और शरीर में जो गर्मी है, फोड़े फुंसी है, पित्त की तकलीफ है, आंखें जलती हैं, ये सब समस्याएं ठीक हो जाती हैं। आंवले के वृक्ष का पूजन, आंवले का सेवन बहुत हितकारी है। आंवला व तुलसी मिश्रित जल से स्नान करे तो गंगा जल से स्नान करने का पुण्य प्राप्त होता है। आंवले की महिमा उस समय ही थी, ऐसा नहीं अब भी है। हमने तो पर्यावरण की दृष्टि से भी यह वृक्ष बहुत उत्तम है। इस आंवले ने मानव जाति को जो दिया है वह गजब है। शास्त्रों के अनुसार आहार द्रव्य में 6 रस होते हैं और उत्तम संतुलित स्वास्थ्य के लिए ये 6 रस आवश्यक बताए गए हैं। उनमें से 5 रस अकेले आंवले से मिल जाते हैं। भोजन के बीच बीच में कच्चे आंवले के टुकड़े चबाकर खाएं तो पुष्टि मिलती है और पाचन तेज होता है। शरीर को जितना विटामिन सी चाहिए उसकी पूर्ति केवल एक आंवला खाने से हो जाती है। आंवला श्रेष्ठ रसायन है। यह दीर्घायुष, बल, ओज व शक्ति देता है, आरोग्य बढ़ाता है, वर्ण निखारता है। मृत व्यक्ति की हड्डियों को कोई गंगा में न डलवा सके तो स्कंद पुराण के अनुसार आंवले के रस से धोकर किसी भी नदी में डाल देंगे तो उस मृत व्यक्ति की सद्गति हो जाती है। नारायण हरि, हरि ओम, हरि।